Hey guys, what's up? Hope you all are extremely well. फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं. आंखें फुला भाई का, क्योंकि अभी सो के उठाओ एंड बाथरूम से आता हूँ, फिर आप लोगों से करते हैं मुलाकात. पूरा यहाँ में पूरा बूंदाबांदी. सुबह सुबह जब थोड़ा सा सो के उठा था ना, नींद थोड़ा खुला था, तभी से बूंदाबांदी स्टार्ट है. मच्छर बहुत है कहीं से. अपना जो ये फूल का है ना बगांडू, बहुत ही अच्छा लग रहा है. छोटा सा है पर इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है. और नींद से उठने के बाद तो जानते होगा इसे ब्रश करना पड़ेगा, नहीं तो मन एकदम अनफ्रेश लगा रहेगा. तो फटाफट से करते हैं ब्रश. हो चुके हैं ब्रश करके रेडी एंड आज है ना मुझे पौधों में पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र देवता हो चुके हैं एकदम मेहरबान. और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो उसके लिए सारे पौधों में इंद्र देवता सुबह सुबह पानी दे दिए. और आज का दिन ना कैसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए एंड डेली जब भी आपको पेड़ पौधे मिले या आपको खरीद के लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं. तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा, पेड़ पौधे जितने लगाना है उतना लगाओ, पेड़ पौधे काटो मत, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमें मिलता है ना वो पेड़ पौधे से ही मिलता है. गाइज, आपके भाई ने कर लिया है नया हेयर कट, तो कैसा लग रहा है बोलना. पहले तो एकदम बंदर जैसा लगता था, चूल पूरा कान के ऊपर आ जाता था. अब कैसा लग रहा है बताना. और गाइज, पहले हम लोग स्कूल में थे ना, तो पेड़ पौधे बहुत लगाते थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन. और हम लोग का जो सर थे, तो उन लोग को जब भी पेड़ पौधे, मैंने महीने में एक दो बार पेड़ पौधे हम लोग लगाते था. और आज वो सब पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, उसमें अभी आम भी लगने लग गया. हम लोग एक आम का पेड़ लगाया था स्कूल में, तो उसमें तो अभी आम भी लगने लग गया है. गाइस, थोड़ा चाय भी पीते हैं फिर आप लोगों से करते हैं थोड़ा टाइम के बाद मुलाकात. और मज़ा आ रहा है एकदम, थोड़ा ठंडा दिया, नहीं तो ना इतना गर्मी देता है ना अपने गुवाहाटी में, बोलो ही मत. तो आपका भाई हो चुका है रेडी एंड मास्क भी पहन लिया, और बूंदाबांदी के बीच कहीं जा रहे हैं. ठीक है, सामने जा रहे हैं, आप लोगों को बचपन का याद दिलाते हैं. चलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ स्कूल. और स्कूल में आप लोगों ने एक टाइमलेस में देखा ये कितना बढ़िया से सर लोगों ने लगाया, हम सब लोगों ने लगाया और बढ़िया से यहाँ में कुछ फोटोज क्लिक किए और अभी पेड़ लगाते हैं. ठीक है, तो चलो. मैं गोप्रो नहीं लाया और मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत दिन से सोच रहा था अपना स्कूल दिखाऊंगा. तो आज छोटा सा एक मौका मिला एनवायरनमेंट डे के अवसर पर, तो ये है अपना स्कूल. ये है छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा स्कूल. और स्कूल से निकले हुए मेरा 4 साल हो गया. और देखो तो ये है ऑफिस रूम था, अभी ये ऑफिस रूम शायद नहीं है. इधर भी ऑफिस है एक, और ये भी ऑफिस ही है शायद. हाँ, और ये क्लास 1 था हम लोग का. ये 1-2 इधर था, 2-3 इधर था एंड इधर था. और ये जो अभी ऑफिस है ना, ये हम लोग का पहले शायद 7 क्लास था और ये 8 था. और बहुत ही मज़ा आता था, पर वो दिन तो फिर लौट के नहीं आ सकता. और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, तो यहाँ में कुछ पौधे लगा रहे हैं सर लोग. तो वीडियो अभी लेके जाता हूँ मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ. हमें लीची का पेड़ लग गया है और इधर लेमन ट्री लग गया है. वाव, मैंने गोप्रो नहीं लाया और कुछ मोबाइल से स्कूल का सिनेमेटिक लेता हूँ, वो सब देखो. एंड आजकल तो स्कूल बड़ा हो चुका है, देखो पूरा बिल्डिंग विल्डिंग हो चुका है, पर आगे में नहीं था. और एक छोटा सा सिनेमेटिक ऐसे ही शॉर्ट एक देख लो, फिर यहाँ से हम लोग घर निकलते हैं. ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप लोग, ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत ही पुराना. जब मैं छोटा से आया ना तब भी ये पेड़ था, और कितने पहले से था नहीं मालूम, पर ये पेड़ बहुत ही पुराना है.
गैस तो अभी हम लोग निकलते हैं घर के लिए एंड घर सामने हो रहा है, पीछे दिखाई दे रहा होगा। गैस तो मैं आ चुका हूँ घर और आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा था, पर आप लोग को इस ब्लॉग के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी पेड़ लगाओ और पेड़ मत काटो। तो ये वाला ब्लॉग यहीं में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।